अच्छा, आप पहले आईटी कंपनी में काम करते थे, फिर अचानक आपको ऐसी कैसी प्रेरणा मिली कि आपने वो सब छोड़ करके यहाँ पर गौ पालन चालू कर दिया, और लोगों की मदद करने की प्रेरणा आपको ऐसे कहाँ से मिली? राजू दीक्षित जी के सानिध्य में आए थे, क्योंकि आईटी में बहुत लोग, जितने भी मेरे कलीग थे, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ रहती थी। हाँ, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और ये तो कॉमन चीज़ हो गई थी। 80-90% लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ही है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे। तो राजू दीक्षित जी के संपर्क में जब आए तो मालूम पड़ा कि ये सब है जो है, जो जर्सी गाय के दूध की वजह से ये सब हो रहा है। तो उसके लिए देसी गाय का हमने बहुत ढूंढा, तो देसी गाय की दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में दूध नहीं मिलता था। तो वो हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि अपन खुद करना चाहिए, तभी तो लोगों को मिलेगा और अपने को भी मिलेगा करके हमने खुद करने की सोची। और 18-20 साल तक मैंने उसका आईटी का प्रोफेशन करके बाद में ये सब चालू किया। और इसके लिए भी चालू क्यों किया कि मेरी वाइफ को पहले तकलीफ चालू हो गई थी, घर में बहुत दिक्कत थी उसको, तो वैद्य को दिखाए, बहुत मतलब मेडिकल रिपोर्ट में सब नॉर्मल दिखाई देता था, मगर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो एक वैद्य को दिखाया, तो वैद्य ने बोला था कि देसी गाय का दूध रहना चाहिए, देसी गाय का घी खिलाना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, इन जो गाय का दूध है, इस दूध में और जो अपने जर्सी गाय जर्सी गाय है, इस बहुत गाय फर्क में है, कितना फर्क हो सकता बहुत फर्क होता है। देसी गाय का दूध में आपको शरीर को, जैसा मैंने बोला कि 16 तत्व लगते हैं पोषण होने के लिए, वो पूरे तत्व आपको इसमें मिलते हैं। गिर गाय या देसी कोई भी गाय, भले खिलार होने तो कोई भी होने, तो वो गाय में मिलते हैं आपको। और जर्सी गाय के इसमें खाली 3 तत्व होते हैं, मगर वो है? भी घातक है, जिससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर की। रोहित जी, आपके पास में यहाँ कितनी गाय है? 85 है, छोटे बड़े सब पकड़ के 85 गाय हैं। फिर इनका मतलब खाना वाना पोषण कैसे होता है इनका? अभी ये अपना बाजू में हमने 5 एकड़ जगह दी है, भाड़े पे लिए हुए है, जिसमें हम चारा उगाते हैं। जो चारा भी गौमूत्र और गोबर से बनता है, उसको बाहर की खाद दी नहीं जाती है, क्योंकि गायों को जो पोषण देना है उसमें अगर मिक्सिंग आ जाए खाद में से, ये नहीं होना चाहिए करके उनको बिना यूरिया का और इसका खाद दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आप कर रहे हैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें। 100% ऑर्गेनिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ में आजकल मिलावट आ रही है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो गायों को खाना जाए वो अच्छा जाए। अभी जो हम लोग पेंट लाते हैं, मेंड या जिसको खली बोला जाता है हिंदी में, हाँ, खली। वो खली जो है वो हम लकड़ी के खाने पे जो तेल निकलता है उसके यहाँ से हम लोग खली लेके आते हैं, से गायों को कम से कम केमिकल वाला खाना जाए। और जो हम लोग दाना भी देते हैं, तो उसमें 5 प्रकार के जो अनाज है उसका ये निकाला जाता है, मतलब उनको पीसा जाता है और वो अनाज उनको खिलाया जाता है। बाहर का रेडीमेड खाना नहीं रहता उनको, और जो भी खाना बाहर से लाते हैं वो भी मतलब कम से कम यूरिया, बाकी का ये जो मिक्सिंग वाला जो रहेगा वही हम लोग लाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास में ना सबसे ज्यादा गिर गाय है। गिर गाय रखने की कुछ विशेषता है? गिर गाय की तो बहुत विशेषता है, ऐसे तो हर एक देशी गाय अपनी, जितने भी भारतीय गोश है, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है एरिया के हिसाब से। मगर गिर गाय के इसमें क्या है कि गिर गाय हर एक अपना, देसी गाय के इसमें जो सूर्य के नाड़ी बोलते हैं वो होती है, तो गिर गाय के इसमें भी होती है, मगर वो जब सूरज में काम जाती है या चांद के प्रकाश में रहती है तो वो एक्टिव होती है, और उसमें से जो भी औषधि गुण है वो सब उसके दूध में आ जाते हैं। जैसे आपको जो 16 तत्व आदमी को पोषण के लिए जरूरी है, आदमी का पोषण होने के लिए, उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पूर्ण संपूर्ण पोषण जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए 16 घटक की जरूरत पड़ती है। तो वो 16 घटक आपको गिर गाय के दूध में से मिलते हैं, और वो सूर्य केतु नाड़ी के हिसाब से उनमें प्रविष्ट होते हैं। जो वातावरण की जो शक्तियाँ हैं वो सब उसमें ली जाती है, ये देसी गाय ही कर सकती है, ये HF जर्सी में नहीं होता है, क्योंकि ये सब होने के लिए ये गाय की पीठ के ऊपर जो खंधा बोलते हैं, कंधा बोलते हैं, वो कंधा या हम्प होता है, इसमें ये सूर्य केतु नाड़ी होती है, उसकी वजह से ये सब काम होता है। अच्छा, आप पहले आईटी कंपनी में काम करते थे, फिर अचानक आपको ऐसी कैसी प्रेरणा मिली कि आपने वो सब छोड़ करके यहाँ पर गौ पालन चालू कर दिया, और लोगों की मदद करने की प्रेरणा आपको ऐसे कहाँ से मिली? राजू दीक्षित जी के सानिध्य में आए थे, क्योंकि आईटी में बहुत लोग, जितने भी मेरे कलीग थे, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ रहती थी। हाँ, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और ये तो कॉमन चीज़ हो गई थी। 80-90% लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ही है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे। तो राजू दीक्षित जी के संपर्क में जब आए तो मालूम पड़ा कि ये सब है जो है, जो जर्सी गाय के दूध की वजह से ये सब हो रहा है। तो उसके लिए देसी गाय का हमने बहुत ढूंढा, तो देसी गाय की दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में दूध नहीं मिलता था। तो वो हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि अपन
खुद करना चाहिए तभी तो लोगों को मिलेगा और अपने को भी मिलेगा करके हमने खुद करने की सोची। और 18-20 साल तक मैंने का आईटी का प्रोफेशन करके बाद में ये सब चालू किया। और इसके लिए भी चालू क्यों किया कि मेरी वाइफ को पहले तकलीफ चालू हो गई थी, घर में बहुत दिक्कत थी उसको, तो वैद्य को दिखाए बहुत, मतलब मेडिकल रिपोर्ट में सब नॉर्मल दिखाई देता था मगर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो एक वैद्य को दिखाया तो वैद्य ने बोला था कि देसी गाय का दूध रहना चाहिए, देसी गाय का घी खिलाना चाहिए तभी इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इनको जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है करके दिक्कत है। और उसको सपोर्ट में तो राजू दीक्षित थे ही, राजू दीक्षित जी के साथ में तो रहने को चालू हो गया था तो पक्का हो गया कि नहीं ये ज़रूरी है। तो तभी से पहले 7 गायें हमने घर पर लाई थी घर के लिए, 6-7 गायें, उसमें से 3 दूध चालू था, 3 का दूध बंद, मतलब गाभिन थी जो बहने वाली थी, ऐसा रोलिंग में रहना चाहिए दूध करके, 6-7 गाय लाके चालू किया, अभी इतनी बढ़ गई। अच्छा, आपने यहाँ पर थोड़ा गांव से भी दूर है तो आपको कुछ समस्याएं आती है यहाँ पर? समस्याएं तो बहुत आती है मगर गाय की वजह से अभी तक तकलीफ तो हुई नहीं है, अभी इधर लाइट नहीं है मगर हमारा सोलर के ऊपर पूरा काम चल जाता है। तो आपने यही गौशाला से लाइट का और खाने का जो गोबर गैस बनाया हुआ है इधर, गोबर गैस के ऊपर हमारा खाना भी पकता है और हमारा जनरेटर भी चलता है जिससे कुत्ती मशीन वगैरह चलती है। मतलब राजू दीक्षित का यही सपना था कि जो भी गांव है वो स्वयं पूर्ण होना चाहिए, गाय के ऊपर स्वावलंबी बनना चाहिए और एक गाय है जो आपको स्वावलंबी बना सकती है वो आपने यहाँ करके दिखाया, चालू किया है, थोड़ा करके तो दिखा नहीं पाया अभी तक पर हो जाएगा धीरे धीरे, अभी कोशिश तो की है। अभी यहाँ पर 2 फैमिली आपकी रहती भी है? 3 फैमिली है, मेरी वाइफ है और 2 फैमिली हमारे पास जो काम कर रहे हैं उनकी फैमिलियाँ हैं, उनके बच्चे भी है। तो यहाँ पर आप सारा पूरा सिस्टम जो है गोबर के ऊपर ही चलता है, गोबर से गोबर गैस बनती है वो जो खाने बनने के लिए भी यूज होता है और जनरेटर भी चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अभी आप ये कितना दूध हो जाता है आपका? अभी तो 90 लीटर दूध है, उसमें से 30 लीटर दूध हम लोग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत दूध पुना जाता है, मेरे एक भाई का डेयरी है वहाँ पे बिक्री लिया जाता है और जो बचता दूध है उसका हम लोग घी बनाते हैं, जो घी हम लोग यहाँ पे जो भी जिनको भी जरूरत है देते हैं, 2500 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग ये घी दे रहे हैं मगर इसमें प्योर घी मिलेगा आपको, जो पूरा दूध को मतलब उसको ये दही जमाया जाता है पूरा दूध को गर्म करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है और जो वैदिक पद्धति से बोलते हैं वो हिसाब से हम लोग घी बनाते हैं, मक्खी से मतके उसमें से मक्खन निकाला जाता है और घी बनता है। अभी जैसे आपको इसमें जो वित्तीय सहायता लगी हो तो आपने वो अपने से ही किया या कहीं से कुछ थोड़ा बहुत? अभी तक तो आया नहीं है मगर इधर के जो लोग हैं वो लोग अभी सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं और वो लोग आ रहे हैं, वो लोगों के हिसाब से अभी हमारे दूध का भी थोड़ा ग्राहक बढ़ गया है तो हिसाब से थोड़ी मदद हो रही है उनकी तरफ से और वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग इधर गौशाला के लिए कुछ करेंगे, तो जो अभी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आने को चालू हो गया है, जो यहाँ पे कंपनी में काम करते हैं वो यहाँ के रहवासी तो है नहीं मगर बाहर से आए हैं मगर वो लोग राजू दीक्षित को फॉलो करने वाले हैं तो उनको इस चीज़ की अहमियत मालूम है तो वो लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, अभी रेगुलर बेसिस पे आते हैं मदद करते हैं, उनकी तरफ से जो भी बन पाता है वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये आपने यहाँ पर गौशाला बनाया है तो इसको देख करके और कुछ लोग प्रेरित होते होंगे ना इससे? यहाँ से मैंने अभी 1-2 जन को गायें दी हैं संभालने के लिए, उनका दूध भी मैं लेता हूँ, मेरे पास जब दूध कम हो जाता है कभी कुछ होता है तो उनके पास से दूध लेता हूँ, खरीद के लिए हुए उन्होंने गाय मगर उनको जब दूध ज़्यादा रहता है तो मैं ले लेता हूँ तरफ से गाय। तो आपने यहाँ पर पूरी देसी नस्ल रखी है, आप कौन कौन सी नस्ल है कुछ बता सकते? अभी इधर गिर है, साहेवाल, गिर तो होते हैं ये साइड में आप देखेंगे थोड़ा तो साहेवाल भी दिखाई देगी आपको, साहेवाल भी है, राठी थोड़ा अंदर के साइड में है तो राठी भी है, 4 राठी है और थरपारकर 2 है मेरे पास और हरियाणा भी 2 है। तो ये जो अलग अलग नस्ल की गाय है इनको यहाँ पर एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है तो सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं? भारतीय गाय का तो वही खासियत है कि भारतीय गाय कोई भी इसमें मतलब हवामान में रह सकती है, मतलब -10 से लेके +40-50 डिग्री तक को भी अपनी देसी गाय स्टैंड होती है और अच्छी तरह से वो खाना पीना रख के दूध भी देती है, दूध का प्रमाण कम ज़्यादा हो जाएगा उसका मगर दूध देगी नहीं ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इन जो गाय का दूध है इस दूध में और जो अपनी जर्सी गाय है बहुत फर्क है, कितना फर्क हो सकता है? बहुत फर्क होता है, देसी गाय का दूध में आपको शरीर को जैसा मैंने बोला कि 16 तत्व लगते हैं पोषण होने के लिए, वो पूरे तत्व आपको इसमें मिलते हैं, गिर गाय या देसी कोई भी गाय भले खिलार होने दो कोई भी होने दो वो गाय में मिलते हैं आपको
और जर्सी गाय के इसमें खाली 3 तत्व होते हैं, मगर वो भी घातक है, जिससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर की जैसी बीमारियां बढ़ रही है, और वो सब जर्सी गाय के इसमें होता है। और आज आप देखोगे तो विदेशों में अपनी गाय जा रही है भारतीय नस्ल की, और अपन बाहर की गाय ला के यहाँ पे दूध बना रहे हैं, ऐसा आज हो रहा है। अच्छा, आप जो गौ पालन कर रहे हो, तो आप और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि ऐसे ही लोगों ने और आगे करना चाहिए? पढ़े लिखे लोग ये इसमें काम में आने चाहिए और अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और आप जितनी गायें बढ़ाओगे, आपका भारत, आपका देश, आपका गांव उतना स्वयंपूर्ण होते जाएगा। एक राष्ट्र निर्माण के लिए गौ पालन बहुत जरूरी है, और राजीव ऋषि जी का वही कहना था, उनको वही करना था, मगर नहीं हो पाया है। वही काम हम लोग आगे करने का सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जितना होता है उतना कोशिश कर रहे हैं।